गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे SST में, और चैप्टर फर्स्ट इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लिया था, कैसे फ्रांस में मोनार्की ख़त्म होके फ्रांस एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बनता है, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद आगे जो आज पढ़ेंगे वो है कि कैसे फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ पे वुमेन ने क्या रोल प्ले किया, वुमेन एज ए रिवॉल्यूशनरी अगर हम पढ़ने पढ़ें तो उसमें हमको वुमेन का रोल क्या था इसके बारे में पढ़ना है। सो ये पढ़ लिए थे, फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, कैसे हुआ था लुई XVI के रीजन में, ठीक है। आज पढ़ेंगे ये टॉपिक, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन रिवॉल्यूशन में भाग ली, क्या डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। वेरी बिगनिंग वुमेन वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स, जो कि बहुत सारे चेंजेस लाए फ्रेंच सोसाइटी में, जिस रिवॉल्ट से बहुत सारे चेंजेस आए, उन सारे रिवॉल्ट में वुमेन जो थी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. I have already told you what is the third estate. So they worked as seamstress or laundresses, sold flowers, fruits, vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. ये सारे काम करते थे थर्ड एस्टेट्स के women. वो seamstress के रूप में, दर्जी के रूप में कपड़ा सीने का काम करते, उसके बाद वेजिटेबल सेल करते, फ्लावर्स बेचते, कहाँ पे तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल, प्रॉस्पेरस धनी मनी लोगों के यहाँ। मोस्ट वुमेन डिडंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वही लोग पढ़ सकते थे कॉन्वेंट में। उसके बाद जो है उनके फैमिली उनके लिए मैरिज अरेंज करती। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। वर्किंग वुमेन की लाइफ ऐसी थी, देयर वेजेस वेर लोअर देन दोज ऑफ मैन, ये तो शुरू से ही होता आया है, वुमेन का वेजेस कंपेयर टू मैन काफ़ी कम होता है। तो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़ पेपर्स, अपने मुद्दों को, अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए, अपने चिंताओं को एक्सप्रेस करने के लिए वुमेन देमसेल्फ्स स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। लगभग 60 वुमेन के क्लब कैम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पोलिटिकल राइट्स एज मैन। एक जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो ये कि वुमेन को सेम मैन की तरह पॉलिटिकल राइट्स मिले उनको। हालांकि डिसअपॉइंटमेंट मिली थी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस कर दिया उनको पैसिव सिटीजन्स के रूप में। पैसिव सिटीजन्स मतलब कोई एक्टिवली जो पार्टिसिपेट नहीं करता है देश के डिसीजन मेकिंग बॉडी में। तो दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, ये सारी डिमांड्स थी उनकी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि उनको लगा कि जब तक ये डिमांड्स हमारी नहीं मानी जाती तब तक नए गवर्नमेंट में उनको रिप्रेजेंट, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। इन द अर्ली ईयर्स रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. हाँ, शुरू में रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए जिससे कि उनकी लाइफ को, वुमेन की लाइफ इम्प्रूव हुई थोड़ी बहुत, जैसे कि स्टेट स्कूल्स उन्होंने बनाए, साथ साथ स्कूलिंग जो है वो सारे लड़कियों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया। एंड अब जो है उनके फादर्स उनको शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे उनकी मर्जी के खिलाफ। एंड मैरिज जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के रूप में एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज को भी सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर्ड किया गया, डाइवोर्स को लीगल बनाया गया, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ बाय वुमेन एंड मैन, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। एंड वुमेन वुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। ये सारे थोड़े बहुत सुधार हुए। उनका स्ट्रगल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए हालांकि कंटिन्यू रहा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। पीछे का एक एरा जो है उसको रीजन ऑफ टेरर करके एड्रेस किया गया है। नए गवर्नमेंट उस समय बहुत सारे लॉज
उन्होंने बनाया, जिसमें कि उन्होंने ये ऑर्डर किया कि वुमेन्स क्लब को बैन बंद कर दिया जाए एंड उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जाए। बहुत सारे प्रोमिनेंट वुमेन जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया उस समय की बहुत फेमस औरतें जो थी, महिलाएं थी, एंड नंबर ऑफ देम उनमें से बहुत सारे लोगों को, औरतों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे देशों में द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेजेस मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में राइट फॉर फाइट फॉर द वोट, वोटिंग अधिकार मिले उसके लिए लड़ाई उन्होंने 19th एंड 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में भी उन लोगों ने कंटिन्यू रखा। द एग्जाम्पल ऑफ द पोलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। इट वॉज फाइनली 1946 में वुमेन जो फ्रांस की थी उनको राइट टू वोट का अधिकार मिला। ठीक है, अगला टॉपिक है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस में या यूरोप में तुम बोल सकते हो कि स्लेवरी, दास प्रथा जो थी उसका अंत कैसे हुआ इसके बारे में। ठीक, सो आपका जो अगला टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी कैसे खत्म हुआ। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन डिजाइम 1789-91 जैकोबिन डिजाइम मतलब वो डिजाइम जिसमें कि एंशिएंट रिजाइम को ख़त्म कर दिया गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। सो द कॉलोनीज इन द कैरेबियन मार्टिनिक एंड सेंट डोमिंगो वेर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटी सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस, रिलक्टेंस मतलब हिचकिचाहट टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। ओके, सो दिस वॉज मेट बाई अ ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकन्स। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। एक्चुअली हुआ क्या कि कॉलोनी जो कैरेबियन एरियाज में थे, सेंट डोमिनिको, मार्टिनिक की, ये सब इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे कॉमोडिटीज़ के, डे टू डे नीड्स वाले चीज़ों को, जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। लेकिन यूरोपियंस जो थे वो बाहर जाके डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स में जाके काम करने से हेजिटेट करते थे, एंड जिसका नतीजा ये हुआ कि शॉर्टेज ऑफ लेबर प्लांटेशंस में हो गया। सो दिस वाज मेट बाय, तो इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ट्राइंगुलर जो है वो स्लेव ट्रेड बन गया, किसके किसके बीच में, यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास। द स्लेव ट्रेड बिटवीन बिगेन इन द 17th सेंचुरी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ बॉर्डियोक्स और नाइंटीज ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल chieftains, branded and shackled, and slaves were packed tightly into ships for the 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. देखो कितना difficult life था, उनको chain में बांध के क्या कर दिया गया, तो ship में डाल दिया गया, और लगभग 3 महीने की लंबी जर्नी की के बाद जो है वो कहाँ से पहुँचे, तो Atlantic Ocean को क्रॉस करके दे फाइनली रीच्ड कैरेबियन, एंड वहाँ पे उनको प्लांटेशन वर्कर्स के हाथों बेच दिया गया। ठीक है, सो प्लांटेशन वर्कर्स के हाथों बेच दिया गया, एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डियोक्स एंड नेंटीज ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड से काफ़ी जो उनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुआ। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी तक फ्रांस में स्लेवरी को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया। नेशनल असेंबली में लंबे लंबे डिबेट्स होते थे वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। नेशनल असेंबली में लंबे लंबे डिबेट्स तो होते थे कि क्या राइट्स ऑफ मैन जो है वो एक्सटेंड किया जाए, यानी जब हम बोलते हैं कि सारे मैन को अधिकार मिले, लोगों को अधिकार मिले, तो क्या उसमें उसको एक्सटेंड करके सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स को, सारे फ्रेंच फ्रांस की जनता को वो अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड कोई लॉज नहीं पास हो रहे थे, इसीलिए क्योंकि सरकार को डर था कि जो बिजनेसमैन थे जिनकी की पूरी इनकम जो है वो स्लेव ट्रेड पर ही टिकट थी, तो वो कहीं विद्रोह ना कर दे,
तो फाइनली द कन्वेंशन, इट वाज फाइनली द कन्वेंशन व्हिच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज प्रोसेसंस. दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्टर मेजर. 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो क्या हो गया, तो 1794 में जो है फाइनली जो है सारे स्लेब्स को फ्रेंच ओवरसीज पोसेशन से क्या कर दिया गया, फ्री किया गया. लेकिन ये जो है वो शॉर्ट टर्म मेजर ही साबित हुआ. क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद नेपोलियन ने वापस से री इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को. एंड प्लांटेशन ओनर्स ने समझा फ्रीडम, अंडरस्टूड दैट देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. स्लेवरी फाइनली एबोलिश हुई कब से, कब, तो 1848 में जाके ख़त्म हुआ. एंड आगे है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ आंदोलन और डे टू डे लाइफ उससे कैसे प्रभावित हुआ ये. तो द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेज इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन. द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन टू एवरी डे प्रैक्टिस. हाँ, 1789 के बाद वाले जो ईयर्स थे उसमें फ्रांस के लोगों के ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेज आए. रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे ऐसे लॉज पास किए जिससे कि लिबर्टी के आइडियल्स को एंड इक्वलिटी के आइडियल्स को एवरीडे प्रैक्टिस में लाया जा सके. यानी ये जो लिबर्टी और आइडियल्स की जो बातें थी ये सिर्फ बातें ही ना रहें बल्कि ये लोगों के जीवन में लोग अपने आप लोग जो है उसको महसूस भी करें. ठीक है, तो वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट कैम इन टू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप इन द ओल्ड रिजाइम. ऑल रिटन मटेरियल एंड इन कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज पेपर्स, प्लेज वुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट. तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ पास हुआ कब, 1789 के बाद, वो ये कि जो सेंसरशिप ओल्ड रेजाइम में था यानी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखो तो उसको सेंसर कर दिया जाता था. तो उन सारे सेंसरशिप को हटा दिया गया और नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट. अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक नेचुरल चीज़ बन गई. Newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of the phrase also means that opposing views of events could be expressed. Yes, freedom जब आप बोलते हो इसका मतलब सरकार की बुराई भी होगी, सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा भी होगी. तो ईच साइड sought to convince the others of its opposition, its position through the medium of print. Plays, songs and festive processions attracted large numbers of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text in which only a handful educated people could read. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस सारे डिस्कशन का, तो कंक्लूजन ये कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट वाज क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस एंड ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोसेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. हाँ, तो नेपोलियन बोनापार्ट एम्पायर ऑफ फ्रांस बना एंड उसने बहुत सारे नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ को कंकर किया, बहुत सारे डायनेस्टीज को डिस्पोसेस कर दिया एंड नए किंगडम्स बनाए जहाँ पे कि उसने अपने मेंबर ऑफ फैमिली को प्लेस किया. नेपोलियन अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के रूप में देख रहा था. बहुत सारे लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है उसने इनिशिएट किए, उसको लागू किया. इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर. शुरू में तो नेपोलियन को बहुत सारे लोगों ने लिबरेटर के रूप में देखा, आज़ादी दिलाने वाले के रूप में.
बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. लेकिन जल्द ही लोगों को ये रियलाइज हुआ नेपोलियन आर्मीज जल्द ही जो है वो इन्वेडिंग फोर्स आक्रमणकारी सेना के रूप में बदनाम होने लगी. फाइनली उसको वाटरलू में फेमस लड़ाई हुई थी 1815 में, वहाँ पे डिफीट मिली उसको और बहुत सारे उसके मेजर्स जो उसने सुधार कार्यक्रम लागू किए थे उनको आगे लिबर्टी वाले गवर्नमेंट में भी लागू किया गया एंड जिससे कि लोगों के लाइफ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो पड़ा. ठीक है, तो हेयर वी फिनिश द चैप्टर एंड यहाँ से अब आगे इसका जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है नेपोलियन के बाद वाला एरा वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे. इस क्लास में इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है. इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह आप लोग पढ़ लोगे. अगले क्लास में हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन इसके बारे में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.